मुझे पर्टिकुलर इस एरिया का स्क्रीनशॉट लेना है, तो मैं इस तरीके से सिलेक्ट कर लूँगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ विशाल और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने लैपटॉप में स्क्रीनशॉट्स कैसे लेंगे। मैं यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप के स्क्रीनशॉट्स लेने के बारे में बताने वाला हूँ इस वीडियो में, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हमें स्क्रीनशॉट्स लेने के लिए, जैसे हमें किसी भी पेज का स्क्रीनशॉट्स लेना है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेता हूँ। मुझे इसका स्क्रीनशॉट लेना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अपने लैपटॉप में प्रेस करूँगा विंडो प्लस प्रिंट स्क्रीन, ठीक है। तो इस पूरे का प्रिंट स्क्रीन सेव हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आपके लैपटॉप में विंडो प्लस प्रिंट स्क्रीन वर्क नहीं करता है, तो फंक्शन का बटन आपके लैपटॉप में होगा, फंक्शन और विंडो बटन को एक साथ प्रेस करना है और उसके बाद आपको यहाँ पे प्रिंट स्क्रीन को प्रेस कर देना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारा यहाँ पे स्क्रीनशॉट हो चुका है। और ये स्क्रीनशॉट हमारा कहाँ पे सेव होता है, यहाँ पे आपको अपना डिस पीसी ओपन करना है माई कंप्यूटर, और उसके बाद यहाँ पे आपको पिक्चर वाला ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे स्क्रीनशॉट्स पे क्लिक कर देंगे इस फोल्डर पे, और यहाँ पे आपको आपका स्क्रीनशॉट्स दिख जाएगा, ठीक है, जो कि अभी हमने ये स्क्रीनशॉट्स को लिया है। तो यही स्क्रीनशॉट हमारा यहाँ पे सेव हो जाता है। ये तो पहला तरीका था। अब दूसरा तरीका है स्क्रीनशॉट्स लेने का, जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पे इसे ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं कुछ सर्च कर लेता हूँ। अब जैसे कि मुझे इसका स्क्रीनशॉट्स लेना है, ठीक है, तो इसका मैंने पहला तरीका आपको बताया, तो आप उससे भी कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आपको इस स्क्रीनशॉट को लेके कहीं पे पेस्ट करना है वर्ड में या फिर पेंट में या फिर कहीं भी, तो इसके लिए आपको यहाँ पे सिंपली आपको अपने लैपटॉप में फंक्शन बटन को प्रेस करके रखना है और उसके बाद प्रिंट स्क्रीन को प्रेस कर देना है, ठीक है। उसके बाद इसका जो प्रिंट स्क्रीन है वो हो जाएगा। उसके बाद इसे मिनिमाइज कर दीजिए। उसके बाद आपको इस प्रिंट स्क्रीन को जहाँ पे भी पेस्ट करना है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे पेंट को ओपन कर लेता हूँ, यहाँ पे मैंने पेंट ओपन कर लिया, और उसके बाद यहाँ पे आप जैसे ही कंट्रोल वी करेंगे, कंट्रोल प्लस वी, तो यहाँ पे जो आपने स्क्रीनशॉट लिया है वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका स्क्रीनशॉट आ चुका है। आप इसे अपने अकॉर्डिंग क्रॉप कर सकते हैं इस तरीके से और अपने अकॉर्डिंग सेव कर सकते हैं, ठीक है। पेंट में मैंने सेव किया है, आप चाहें तो इसे एमएस वर्ड में, पावर पॉइंट में, कहीं पे भी सेव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था दूसरा तरीका। अब हम चलते हैं तीसरे तरीके की तरफ। तो यहाँ पे तीसरा तरीका है, आपको यहाँ पे सर्च करना है, नीचे यहाँ पे विंडो के बगल में आपको सर्च का बटन है, यहाँ पे आपको सर्च करना है स्नैपिंग टूल, ठीक है, SNIP। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे आ गया है स्नैपिंग टूल, तो इसको आपको ओपन कर लेना है। इससे भी आप डिफरेंट टाइप के स्क्रीनशॉट्स ले सकते हो। तो ये हमारा यहाँ पे स्नैपिंग टूल का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे ओपन हो चुका है। यहाँ पे न्यू का बटन आपको दिया है, इस पर आप क्लिक करेंगे प्लस पे, और उसके बाद आपको जैसे इतना स्क्रीनशॉट लेना है, तो आप ये आपका स्क्रीनशॉट यहाँ पे हो चुका है, ठीक है। इस तरीके से आप सिलेक्ट करके भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आपको लाइक क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेते हैं, और यहाँ पे मैं वापस से इस टूल को ओपन कर लेता हूँ और न्यू पे क्लिक करते हैं यहाँ पे, और उसके बाद मुझे पर्टिकुलर इस एरिया का स्क्रीनशॉट लेना है, तो मैं इस तरीके से सिलेक्ट कर लूँगा और इसे छोड़ दूंगा, तो इसका स्क्रीनशॉट अपने आप यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको इसे सेव कर लेना है, तो यहाँ पे सेव का, यहाँ पे आपको ये सेकंड वाला ऑप्शन दिख रहा है सेव का ऑप्शन, इस पर आप क्लिक करेंगे या फिर कंट्रोल एस करेंगे तो ये सेव हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके डेस्कटॉप पे सेव होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं डेस्कटॉप इसने ऑलरेडी सेलेक्ट कर रखा है, वहाँ पे आप सेव कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं। और इसमें और भी मल्टीपल फंक्शन दिए जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको 4 टाइप्स दिए गए हैं स्क्रीनशॉट्स लेने के, ठीक है। ये रेक्टेंगल मोड है, विंडो मोड है, फुल स्क्रीन मोड है, और ये फ्री फॉर्म मोड है, ठीक है। तो आप इन पे सिलेक्ट करके अपने अकॉर्डिंग स्क्रीनशॉट्स को ले सकते हैं। जैसे फ्री फॉर्म मोड को हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद न्यू पे क्लिक करेंगे, और उसके बाद यहाँ पे आप ऐसे घुमा के इस तरीके से, कुछ इस तरीके से भी आप स्क्रीनशॉट्स कर सकते हैं, ठीक है, और उसे सेव कर सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आप अपने लैपटॉप में स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं डिफरेंट टाइप से। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ख्याल रखिए अपना और अपनी फैमिली का। थैंक यू।